नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आदिवासी समाज संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उपेक्षित समाज है। आदिवासी कौन है, किन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनका जीवन दर्शन क्या है आदि सवालों पर कोई बात नहीं करता। बाहरी समाज ने कभी आदिवासियों को निस्वार्थ भाव से समझने की कोशिश नहीं की। वनों या जंगलों से आदिवासियों का बहुत गहरा रिश्ता है, जब से सृष्टि है तब से। स्वयं आदिवासी शब्द की अवधारणा उनकी अस्मिता और अस्तित्व जंगलों से परिभाषित होता है। वे स्वयं को जंगलों का प्राकृतिक संरक्षक मानते हैं। जंगलों, नदियों, पहाड़ों को वे अपना पुरखा और संबंधी मानते हैं। उनके गीत, कहानियों, नृत्यों और पूरे जीवन की हर धड़कन में जंगल है। आदिवासी भी इस देश के ही हैं, इसलिए उनके लिए भी देश के संविधान में प्रावधान है। क्या कहता है वन अधिकार अधिनियम? वन अधिकार अधिनियम का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है। अधिनियम के परिचय में इसका उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया गया है। वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं लेकिन उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है। वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग की मान्यता देने और निहित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2007 से लागू माना गया और इसका संशोधित रूप 6 दिसंबर 2012 को प्रकाशित हुआ। अधिनियम के अंतर्गत वनों के परंपरागत निवासियों को वनों संबंधित व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार प्रदान किए गए। अधिनियम के अधीन 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि का निवास और आजीविका के लिए इस्तेमाल करने वाली सभी जनजातियों और 3 पीढ़ियों से वन पर निर्भर अन्य परंपरागत वन निवासियों को ये अधिकार दिए गए। अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों को निवास के लिए, जीविका के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग का अधिकार दिया गया। साथ ही गौड़ वन उत्पादों जैसे तेंदू पत्ता, गोंद आदि के संग्रह के लिए वनों के उपयोग का अधिकार तथा मछली पालन, चारागाह आदि के रूप में जंगलों के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि के उपयोग का अधिकार प्रदत्त किया गया। अधिनियम के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अधिकार, पुनर्वास के अधिकार का प्रावधान किया गया। खासतौर पर वनों से अवैध रूप से बेदखल किए गए आदिवासियों को पुनः वनों में बसाने का बंदोबस्त किया गया। वन अधिकार अधिनियम में केंद्रीय शासन प्रशासन के बजाय स्थानीय ग्राम सभाओं आदि को सशक्त किया गया। सरकारी भवनों व योजनाओं के लिए वनों का उपयोग करने से पहले भी स्थानीय ग्राम सभा की स्वीकृति को अनिवार्य बनाया गया। वनों पर आदिवासियों के अधिकार को मजबूती देने और उन्हें बेदखली से बचाने के लिए अधिनियम की धारा 4 के 5 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि आदिवासियों को तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अधिनियम के तहत एक परिवार की ओर से अधिभोग के लिए भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर निर्धारित की गई। आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार जारी करने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा में दावों की प्रस्तुति की जाएगी, फिर ग्राम सभा वन अधिकार समिति को सत्यापन के लिए दावों को भेजेगी। वन अधिकार समिति ग्राम सभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी के बाद आगे के समितियां में अनुमोदन के लिए संबंधित रिपोर्ट भेजी जा सकेगी और लाभार्थियों को अधिकार पत्र जारी हो सकेंगे। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में खामी होने पर कोई भी व्यक्ति अपील कर सकेगा और उसे अपनी बात रखने का समुचित अवसर दिया जाएगा। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के जरिए आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाने की पहल की गई जिनसे आदिवासी आदिम जनजाति समुदायों के साथ होते रहे अन्याय और उपेक्षा को खत्म किया जा सके और उनकी अस्मिता की सुरक्षा के साथ वे अपनी व्यवस्थाएं भी बरकरार रख सके। इसके तहत आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि आदिवासी का मतलब क्या एक ही समुदाय है या उसके भीतर व्यापक विविधता है।
वास्तव में आदिवासी समुदाय के भीतर आजादी के समय 177 आदिवासी जातियां पहचानी जा चुकी थी, जो देश के अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रही थी। आज भी यही स्थिति है, लेकिन भारत की व्यवस्था आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को स्वीकार्यता नहीं दे पाई। आजाद भारत में हुआ ये कि एक तो आदिवासियों के पक्ष में ठीक से कानून नहीं बने और जो बने उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया। मसलन 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषद आदि बातें कागजों तक रह गई। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।